नमस्कार दोस्तों, इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक सनसनी मार्केट में फैली हुई है। आप कहेंगे अनूप जी, आप अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनी वर्ड यूज कर रहे हैं। सर, मेरा ये तात्पर्य कतई नहीं। देखिए दोस्तों, है क्या कि ऐसा हुआ पास्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करदाताओं द्वारा किए गए और बहुत से करदाताओं ने पॉलिटिकल पार्टीज को जब कॉन्ट्रीब्यूशन किए, चाहे उन्होंने स्वयं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ढूंढी या उन्हें किसी रेफरेंस ने बोला कि साहब फला पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करो, आपको 100% डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, तो उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया। कुछ लोगों ने, या हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, तो बहुत से लोगों ने पैसे की अदला बदली भी कर ली। आप कहेंगे अनूप जी, अदला बदली का खेल क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा समझिए कि मान लीजिए मैंने अपनी रिटर्न भरते समय मुझे कोई टैक्स देना था 30% की टैक्स रेट से, तो कोई महाशय मेरे मित्र, उन्होंने बोला कि अनूप जी काहे को चिंता करते हो, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, आप 3 लाख रुपए की एक रसीद काटो, यानी आप चेक काटो, मैं 3 लाख की आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की कंट्रीब्यूशन की रसीद ला के देता हूं, 3 लाख पर 30% आपको 90,000 रुपए का टैक्स बच जाएगा। मैं बोला वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि मैं वैसे ही सरकार को बहुत टैक्स देता हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता इतना टैक्स दे करके। अब 90,000 रुपए का टैक्स बच रहा है, किसको बुरा लगेगा सर? सामने वाले ने 3 लाख की रसीद आपको दी, आपने 3 लाख उन्हें वापस किए और वो 3 लाख पर सिर्फ 5% कट करके बाकी पैसा आपकी जेब में वापस आ गया। तो 3 लाख पर 5% हुआ 15,000, आपको 2,85,000 वापस मिल गया, और यानी 15,000 का नुकसान हुआ, उधर आपको टैक्स में 90,000 का फायदा हुआ। तो आपको लगा कि साहब मुझे तो अभी भी 75,000 रुपए बच गए, चलो बढ़िया है। ऐसा बहुत से लोगों ने किया है, मानिए नहीं मानिए, पर ये अनुभव देखने में आया, ये अनुभव लोगों से सुनने में आया। अब इशू क्या हुआ दोस्तों, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की कार्यवाही कर दी और ऐसी 23 पार्टियां पकड़ में आई। अब इन 23 पार्टियों के यहां पर जो जो नाम मिले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि इन सब ने कॉन्ट्रीब्यूशन करके नकद वापस ले लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि डगर कितनी कठिन हो गई कि उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने इन 23 पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन किए, पर्टिकुलरली अभी वर्तमान में असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए नोटिसेज आ रहे हैं, तो उन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादातर को यह नोटिस दे रहा है कि अगर इन 23 पार्टियों में से ऐसी कोई पार्टी है जिसको आपने भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो हो सकता है आपको वो नोटिस आ गया हो या आने वाला हो। कौन सा नोटिस? सेक्शन 148A का नोटिस दोस्तों। और उस नोटिस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कि साहब हमारे पास सूचना है कि आपने ये अंशदान किया और अदला बदली करी, तो क्यों ना ये पर्टिकुलर मैटर आपका सेक्शन 148 में खोल। तो दोस्तों, इसी विषय पर ये डिस्कशन लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं कि इस मैटर को, इस नोटिस को कैसे हैंडल करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके समक्ष ये ATGGC सेक्शन क्या है उसको रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, सेक्शन कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एनी पर्सन एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट देयर शेल बी डिडक्टेड एनी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अब ATGGC लोगों को एक डिडक्शन का ऑप्शन देता है कि आप किसी संस्था को डोनेशन दीजिए सब्जेक्ट टू 10% ऑफ GTI, ज्यादातर संस्थान 50% के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको 50% कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। लेकिन ATGGC दोस्तों ऐसा सेक्शन है जो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन दिलाता है पॉलिटिकल पार्टी को। ये एक तरीके का भेदभाव था रिलीजियस पार्टी में और पॉलिटिकल पार्टीज में, और इस भेदभाव को धीरे धीरे कुछ लोगों ने पकड़ा और शायद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई के जो बहुत ज्यादा प्रचलित तो नहीं थी, पर शायद वो अदला बदली करने में किसी प्रकार से, हालांकि ये सच है या नहीं है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्राइम ऑफिसर सरकार की ये अंडरस्टैंडिंग बनी। और आगे देखिए, यहाँ ATGGC पर्पज से पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा भी दी गई कि पॉलिटिकल पार्टी कौन है, जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ऐसी ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को XYZ किसी भी पर्सन ने कंट्रीब्यूशन किया, कैश बदलवाया नहीं बदलवाया, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। अब आपको लैंग्वेज ऑफ नोटिस बताता हूं सर, कि जो नोटिस आ रहे हैं अंडर सेक्शन 148
नोटिसेस की अंडर सेक्शन 148 ए रादर, और क्या लिखा रहा है कि आपने से 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, क्यों ना हम आपका सेक्शन 148 में असेसमेंट खोल दें। नोटिस की लैंग्वेज देखिए, इन योर केस इंफॉर्मेशन इज फ्लैग्ड ऑन द इनसाइड पोर्टल अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क CRIU VRU फॉर असेसमेंट ईयर 1920 ऑन 27th ऑफ मार्च। अब देखिए सरकार भी तो कितनी लेट जग रही है, 27 मार्च को तो सरकार लेट जगी है। आप कहेंगे अनुप जी आप इसे लेट जगना क्यों बोल रहे हैं, भाई साहब अगर सरकार टाइमली जग जाती है इन नोटिसेस के लिए तो शायद कुछ करदाताओं के पास में ITRU का भी ऑप्शन होता, वो खत्म हो रहा है असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। आज 31 मार्च 2023 को जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी ये वीडियो ITRU का ऑप्शन बहुत संभव है आपको नहीं दे पाएगी। आगे पढ़ता हूं, इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों जब छापेमारी की कार्यवाही करता है वो अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स होती है। इन द केस ऑफ RUPP's ग्रुप ऑफ अहमदाबाद, अभी RUPP क्या है इसकी फुल फॉर्म अभी बताता हूं। ऑन 7 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022 को आयकर विभाग ने रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कितनी, लगभग 23, इन 23 पार्टियों पर दोस्तों छापे मारे। ये लगभग एक ही ग्रुप संचालित कर रहा था इन 23 पार्टियों का, ठीक है। ये जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने ऑनलाइन गैदर किया इंफॉर्मेशन उससे बोल रहा हूं। इन दिस सर्च अ टोटल ऑफ 23 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, 35 बोगस इंटरमीडियरीज एंटिटीज एंड 3 मेजर एग्जिट प्रोवाइडर्स, यानी कोई 3 बड़े हो सकता है एजेंट हो जो इस प्रकार से कोई कन्वीनियंस करा रहे थे, वर कवर्ड विच वॉज कंबाइंडली कॉल्ड एज RUPP ग्रुप ऑफ अहमदाबाद। इन सबको मिलकर के RUPP ग्रुप ऑफ अहमदाबाद कह दिया गया, ये उनका प्यार से नामकरण कर दिया गया। अब ये 23 RUPP ग्रुप की जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों उनका नाम भी दे दिया। अभी ध्यान से सुनिएगा, ATGGC की अभी मैंने आपसे जो चर्चा करी उसमें टर्म है कि आप किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के दोस्तों 2 बाइफर्केशन हो सकते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी यानी जो बड़ी पार्टी है, जैसे BJP, कांग्रेस, जनता दल, बीजू जनता दल, ऐसे मैं नाम ले लूं तो ठीक है, समता पार्टी, जनता पार्टी, ये सारे नाम, या तृणमूल कांग्रेस, कोई राजनीतिक दल मुझसे भी नाराज ना हो कि मेरे दल का आपने नाम नहीं लिया, अगर मुझे याद नहीं आएगा तो नहीं बोल पा रहा हूं। तो द पॉइंट इज व्हाट सर, कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर एक तरीके का ये एडजस्टमेंट का खेल हुआ। तो अब एक क्वेरिसिटी आई कि व्हाट इज RUPP, यानी ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या है। मैंने कहा चलो जनता की नॉलेज के लिए इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी means either newly registered parties or those which have not secured enough percentage of vote in the assembly or general election to become a state party, or those which have never contested election since being registered are considered unrecognized party. Such parties don't enjoy all the benefit extended to the recognized party. अब आप समझिए सर कि कोई व्यक्ति अंशदान कर रहा है किसी political party को, तो उसे शायद इस केस से ये मैसेज तो मिल गया कि भाई साहब अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो तो आपको कल किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये भी एक मैसेज है। अब मैं पुनः नोटिस पर आ रहा हूं कि नोटिस की लैंग्वेज आपके सामने रखता हूं कि पॉइंट नंबर 1 पढ़ा। अब इसी नोटिस में सरकार ने करदाता को दोबारा बताया 148A के नोटिस में कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एक्शन विच वॉज इनिशिएटेड ऑन सच RUPPs रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लार्ज नंबर ऑफ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बोगस डोनेशन रिसीव, डायरीज कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ कमीशन चार्ज, लूज पेपर्स कंटेनिंग वाइटल इंफॉर्मेशन एंड व्हाट्सएप चैट्स इन द मोबाइल फोन्स ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ RUPPs एंड देयर की हैंडलर्स कंफर्मिंग द एलिगेशंस वर फाउंड, documentary and digital evidences collected during the course of search action were confronted with the key persons of the group and subsequently seized. yani ye sare document unko bhi dikhaye gaye jinke yahan search hui, registered unrecognized political party, unke bandon ke paas mein unke computers, unke mobiles, unke backup liye gaye aur unse jo jo information sarkar le sakti thi collect kiya। सरकार ने यह भी बताया नोटिस में, द मोडस ऑपरेंडी डिटेक्टेड इन द कोर्स ऑफ ऑनगोइंग सर्च ऑपरेशन रिवील दैट द डोनेशन इज रिसीव्ड थ्रू चेक RTGS NEFT इन RUPP's बैंक अकाउंट, दिस मनी इज देन रीरूटेड
through various layers and returned to the original donor, primarily in form of cash in lieu of some commission that ranges from 3.5% to 5%. It is pertinent to mention here that political party doesn't pay any tax since it is exempt under section 13A. मैं कहता हूँ सर पॉलिटिकल पार्टी को तो टैक्स लगाना चाहिए ठीक है पर हमारे यहाँ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां अमीर हैं और इसका एक उदाहरण आरयूपीपीस का आपके सामने रख रहा हूँ फर्दर द डोनर्स क्लेम डिडक्शन अंडर 80GGB 80GGC thereby the income earned by the donors is escaped from the tax net in the guise of political donation. तो आपको एज अ केस स्टडी भी आप इस केस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनूप जी खेल तो हुआ होगा बड़ा हुआ होगा कितना बड़ा हुआ मैं नहीं जानता हूं अंदाजा किसी ने मेरे को बोला अनूप जी ऑल इंडिया 3 लाख केस खुले सर 3 लाख लोगों का हरासमेंट हो रहा है आप कहेंगे अनूप जी हरासमेंट उन्होंने तो चोरी करी बिल्कुल चोरी करी सर आप समझिए उनका चोरी करने की सजा तो उनको लगेगी हरासमेंट कैसे हो रहा है कि आपने अपने ही पैसे को नकद कन्वर्ट कराया सामने वाले को कमीशन दी उतने ही पैसे के बराबर जितना आपने डोनेशन दिया उतने के बराबर आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगी ये एक बड़ी खतरनाक व्यवस्था है इस पर एक और चर्चा आपसे आगे करता हूं नोटिस को और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं सर एज पर इंफॉर्मेशन असेसी यहां आपका नाम आपका पैन नंबर लिखा होगा है ना हैज ऑब्टेन्ड अकोमोडेशन एंट्री फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ रुपीज से यहां 2 लाख लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 19-20 यानी जिस व्यक्ति को यह नोटिस गया उस व्यक्ति का नाम उसका पैन उसके यहां कितनी अमाउंट मानी गई कि उन्होंने 80GGC में दिया वो लिखकर नोटिस में दिया फर्दर ऑन गोइंग थ्रू रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय यू फॉर AY 19-20 इट इज नोटिस और अब मैच कर गया वो अमाउंट इट इज नोटिस दैट यू हैव क्लेम्ड डोनेशन ऑफ रुपीज सो एंड सो अब एग्जैक्ट अमाउंट की डोनेशन आपके यहाँ 80GGC में मिल भी गई सरकार को ठीक है Thus, donation shown in the above mentioned political party by you is bogus and claim of deduction under 80GGC on the basis of such bogus donation is not allowed. As stated in the preceding paras, this is sufficient information available on record which clearly suggests that income chargeable to tax to the extent of say rupees 2 lakh has been escaped for the assessment year within the meaning of provisions of 147 for the assessment year 19. तो ये सरकार ने केस बना लिया उस पर्सन के विरुद्ध जिसके विरुद्ध उन्होंने ये नोटिस अंडर सेक्शन 148A इशू किया फाइनली कंक्लूडिंग पैराज में लिखा कि एज स्टेटेड इन प्रीसीडिंग पैराज देयर इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड व्हिच क्लियरली सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज से 2 लाख हैज बीन एस्केप्ड The assessment within the meaning of provisions of 147 of Income Tax Act 1961 for AY 1920 in view of above an opportunity of being heard is being provided to you. Why this show cause notice? Very important, sir. 148A में एक show cause notice आ रहा है. कारण बताइए क्यों ना हम भाटिया जी आपके अगेंस्ट ये 2 लाख का एडिशन कर दें क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो अहमदाबाद वाला RUPP ग्रुप है जिसमें आपके 2 लाख रुपए गए और 2 लाख रुपए आपने भी रिटर्न में क्लेम किए अब सुनिए दोस्तों मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है और आप चाहते हैं कि अनूप भाटिया इसका आंसर दे तो मैं कोशिश करता हूं व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल क्या आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल क्या क्या है अगर ऐसा कोई नोटिस आपके पास में आ गया ठीक है किसी ने बोला कि अनूप जी काम करता हूं फिर अगर मैं मान लू कि मेरे साथ मैंने भी ऐसा किया है ना टू कन्फेस है ना कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वास्तव में किया और कोई कह रहा नहीं भाई साहब जेन्युइन हूं मैंने तो वास्तव में उस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया मैंने वापस नहीं लिया क्योंकि आपको नहीं पता सर कि वो जो एंट्री सरकार बता रही है क्या वास्तव में अदला बदली हुई या नहीं हुई आपसे बढ़िया तो कोई जानता नहीं एक करदाता के रूप में अब इशू आएगा कि नंबर वन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है सबसे बढ़िया सच क्या है वास्तविक सच क्या है सबसे बढ़िया सच कुछ नहीं होता वास्तविक होता है या अवास्तविक है ठीक है यानी सत्य है या असत्य है तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अदला बदली कर ली वो भी मेरे से क्वेरी करेंगे और जिन्होंने अदला बदली नहीं करी वो भी मेरे से क्वेरी करेंगे मैं दोनों तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं सर देखिए जिन्होंने अदला बदली नहीं करी उनका तो केस जेन्युइन है हो सकता है गेहूं के साथ गुड़ पिसता है तो बहुत सारे लोगों ने दिया था उसने भी दे दिया लेकिन उसने अदला बदली नहीं करी वो हो सकता है एक ऐसा पर्सन हो जो पॉलिटिकल पार्टी के विचारों से ही प्रभावित हो तो वो क्यों मानेगा ही विल नॉट अंडरस्टैंड अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने वास्तव में अदला बदली करी तो वो क्या करेंगे
उनके लिए अलग अलग स्टेज आएगी। पहली स्टेज ये कि क्या वो इसी स्टेज पर 148A के नोटिस में मान लें क्या कि मैंने ये पैसा दिया, और यदि वो मान लेते हैं तो क्या वो बच जाएंगे। अब दो स्टेजेस में लेके चलता हूं सर, कि पहला मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा कि क्या टैक्स पे करना अच्छा है, या दूसरा स्टेज बोलता हूं क्या इस केस को एजिटेट करना अच्छा है, यानी इसमें लड़ना अच्छा है। सर, पेइंग द टैक्स अलॉन्ग विद द रिप्लाई ऑफ सेक्शन 148A नोटिस विद इंटरेस्ट इज नॉट ए गारंटी कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने 148A के नोटिस के रिस्पॉन्स में टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया तो ये गारंटी नहीं है कि उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं आप ऐसा ना करें, ये मेरा कतई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता आपका केस क्या है। तो अगर किसी ने यह मानस बना लिया कि ठीक है अनूप जी मैं तो टैक्स और इंटरेस्ट देता हूं, तो फिर क्या पेनल्टी बच जाएगी? नहीं सर, बल्कि एक और खतरा है। अगर जो टैक्स और इंटरेस्ट दे करके जा रहा है उसको 148 में असेसमेंट में भी लिया जाएगा और डिपार्टमेंट उसको पेनल्टी भी लगाएगा, डिपार्टमेंट कल उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकता है। प्रोसिक्यूशन बोलते हैं सर हम लोग टेक्निकली, कि सब आपने फर्जीवाड़ा किया ये बात आपने खुद मानी, तो क्यों ना हम आप पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दें, ये भी तो एक रिस्क है। और ऐसे लोग जो नहीं मानते इस बात को कि या तो वो जेन्युइन है या वो मना करते हैं कि नहीं साहब मैंने तो अदला बदली नहीं करी, तो उन्हें क्या करना है सर, उन्हें इस नोटिस को एजिटेट करना है, यानी नोटिस के खिलाफ बोलना है कि साहब ये नोटिस ही गलत है, मैंने कोई अदला बदली नहीं करी। और उन्हें असेसमेंट में भी यही कहना है कि साहब मेरा तो 80GGC बिल्कुल जेन्युइन है। अब मुद्दा यह है एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, आपको ये कहना है कि मैंने तो नहीं किया है, डिपार्टमेंट ने कह रहा है आपने किया है, कंफर्म कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी कंफर्म करेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू कंफर्म हियर। सुनिए दोस्तों, हाउ मच टैक्स लायबिलिटी मे बी पेबल, ठीक है, टैक्स कितना पे करना है, ठीक है। जैसे आपको इनकम टैक्स तो देना है, अब मैं इसे एक उदाहरण से रखता हूं अपनी बात को, कि मान लीजिए किसी सज्जन ने 2 लाख रुपए दिए थे और वो 30% स्लैब में थे, तो 30% के हिसाब से उन्हें कितना टैक्स बन गया सर? 60,000। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, क्योंकि अभी जो ज्यादातर नोटिसेज आए हैं वो इसी पीरियड का है। तो अब आपको 60,000 रुपए का टैक्स देना है। अब आप सुनिए, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टैक्स अगर आप 2023 में जाके देते हैं, लगभग 4 साल हो गए, तो 4 साल का 48% ब्याज आपका और हो जाएगा, लगभग 50% मान लूं तो आपका 30,000 रुपए का इसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। तो 90,000 रुपीज तो सर उस बंदे को, अगर वो मानता है कि उन्होंने अदला बदली करी, इतना तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट न केवल ये, मैंने इंटरेस्ट में अभी यहां लिखा है कि 234A सेक्शन का भी इंटरेस्ट लग सकता है अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न डिले थी, क्योंकि आपका डिमांड बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, 234B में तो इंटरेस्ट लगेगा ही, और क्योंकि आप सीओ में तो खुद मानेंगे, तो 234C में भी 80GGC डिनायल आप खुद मानेंगे, तो आपका 234C का भी इंटरेस्ट लग सकता है। इनमें सबसे खतरनाक इंटरेस्ट है, जैसा मैंने अभी बोला, 4 साल का, वो 234B मिल गए। अब बात करता हूं दोस्तों पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A। ये पेनल्टी दो तरीके से लगती है, ध्यान से समझिएगा, एक अंडर रिपोर्टिंग, एक मिस रिपोर्टिंग। सर, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि हाँ उसने कैश की अदला बदली करी, तो ये अंडर रिपोर्टिंग में दोस्तों पेनल्टी होती है 50% ऑफ टैक्स, और मिस रिपोर्टिंग में दोस्तों पेनल्टी होती है 200% ऑफ टैक्स, ठीक है। मिस रिपोर्टिंग इंक्लूड्स मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो आपने 80GGC गलत क्लेम किया, आप ये मान रहे हो, अगर आप ये मानते हो तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी सर? टैक्स लायबिलिटी का डबल, यानी 60,000 का डबल 1,20,000। अब जरा ध्यान से सुनिए सर, उस बंदे ने दिए कितने? 2 लाख, ठीक है, उसमें से भी 5% की मान लो कमीशन दे दी जिसने भी ये किया काम, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। मैं तो सर पिछले 2-3 सालों से लोगों को मना कर रहा हूं, जहां भी मेरे पास ऐसी खबर आती है कि भाटिया जी वो पॉलिटिकल पार्टी को दे दें क्या डोनेशन, लोग हंसते हंसते पूछते हैं हमने सुना अदला बदली होती है। मैं बोला भाई साहब मेरा तो निवेदन ये है कि ऐसा ना करें, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र कवल है, वो करते हैं। और अब जो सरकार है और अब जो समय है सर, वो ट्रांसपेरेंसी का टाइम है, अपना टैक्स पे करिए और मस्त रहिए, इससे बढ़िया कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और आप खुश होइए कि आप टैक्स पेयर हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को चुभ रही हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो आप सुनिए सर, 2 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, आपने 5% कमीशन किसी व्यक्ति ने कर ली, से 10,000 उनको हाथ में मिले, 1,90,000, यानी बचे कितने? 1,90,000।
ठीक है, अपने ही पैसे में से, और इधर 60,000 एक, 30,000 का इंटरेस्ट, और 1 20 का उन्हें क्या दे दिया, पेनल्टी। फाइनली मैं मानता हूं कि 99.99% की पेनल्टी लगेगी। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट 148A के नोटिस के रिस्पॉन्स में दे देंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, गारंटी नहीं है, मेरा ये कथन है। कोई दे देवे रिलीफ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो 90,000 प्लस 1,20,000, सर 2 लाख का मैटर था, 2,10,000 जेब से लग गए, ये पॉसिबिलिटी है इस केस में। और सबसे खतरनाक, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276C की भी संभावना है। संभावना है सर, मैं आपको डराने के लिए तो नहीं बोल रहा, पर संभावना है। अब बात करता हूं दोस्तों कि अगर ये नोटिस आ गया है ना, तो हाउ योर केस में प्रोसीड फर्दर, आपको जानने को तो मिले केस कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। आप मानिए नहीं मानिए 148A की स्टेज पर, मेरा मानना है कि डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट अब करेगा, और असेसमेंट में वो 80GGC डिसअलाउ करेगा, और आपकी इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट लाइबिलिटी बना के एक असेसमेंट ऑर्डर पड़ेगा पास करेगा, और उस असेसमेंट ऑर्डर के साथ में एक पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करके पेनल्टी लगाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब भाटिया जी मेरा केस जेन्युइन है, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है, या डिपार्टमेंट के पास क्या प्रमाण है कि वास्तव में मेरे को कैश दे दिया गया, तो आप अपील लड़ेंगे। अब अपील के दो स्टेज हैं सर आपको जो लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सीआईटी अपील और आईटीएटी। आईटीएटी इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। यहां तक जाते जाते ही अगर आप ये प्रूव कर पाए कि नहीं साहब मैंने कोई अदला बदली नहीं करी, या सामने वाला प्रूव नहीं कर पा रहा कि उसने आपको कैश दिया, तो आपको यहां जाते जाते हो सकता है आईटीएटी लेवल पर रिलीफ मिले। लेकिन आईटीएटी लेवल तक लड़ते लड़ते आप ये मान के चलिए कि असेसमेंट में लगभग 1 साल, सीआईटी अपील में फर्दर लगभग 1 साल, और आईटीएटी में भी लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल का पीरियड लगेगा, यानी यहां से लगभग आपका केस अगर आप फाइट करते हैं तो 2 से 3 साल का टोटल मैटर आपका है। इतना स्पष्ट बात बोलने वाले लोग आपको कम मिलेंगे सर, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ जनता जनार्दन बहुत हद तक प्रभावित हो गई, 3 लाख केस एक ही मैटर पे खुल जाना अगर ये सही डेटा है, तो मुझे लगा क्यों ना सबकी गाइडेंस के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाऊं। अब आप में से कुछ लोग प्रोसिक्यूशन पर भी जानना चाह रहे हैं कि अनूप जी अभी आपने बोला था एक प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है सर, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिविल कोर्ट में आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट दाखिल करे कि साहब इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, फर्जी दस्तावेज किए, यानी 80GGC की रसीद गलत ली जबकि इन्होंने कैश की अदला बदली करी, ये एक मिसप्रेजेंटेशन हुआ। तो एक सेक्शन है दोस्तों 276C, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। क्या चेक से पैसा देके कैश लेना विलफुल इवेजन नहीं है? बिल्कुल है सर, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। इफ अ पर्सन विलफुली अटेम्प्ट इन एनी मैनर वॉट सो एवर टू इवेड एनी टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेबल और इम्पोजिबल और अंडर रिपोर्ट इज इनकम अंडर दिस एक्ट, ही शेल विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर पेनल्टी दैट मे बी इम्पोजिबल ऑन हिम अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी पनिशेबल। पनिशेबल सर वर्ड, लाइबल टू पेनल्टी नहीं है, पनिशमेंट मिलेगा। इन द केस वेयर अमाउंट सॉट टू बी इवेडेड और टैक्स और अंडर रिपोर्टेड इनकम एक्सीड्स 2,500,000 रुपीज, यानी 25 लाख रुपए। ये अंग्रेजी सिस्टम में चेंज होना चाहिए, 25 लाख सीधे लिखना चाहिए। विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच विल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विद फाइन। और जिसका 25 लाख से कम का मैटर है टैक्स इवेजन का, मैं मान लेता हूं ये छोटे छोटे डोनेशन है 2 लाख 4 लाख 7 लाख 10 लाख, इन एनी अदर केस विद द रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच विल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स एंड विद फाइन। तो मात्र 3 माह से लेकर के 2 साल। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है मेरे पे कि अनूप जी ये क्या पढ़ा रहे हो आप। सर बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप मुझे गलत मत लीजिएगा सर। अगर ये केस किसी पे एस्टेब्लिश हो गया, और पर्टिकुलरली उस केस में जिसने मान लिया कि हाँ साहब मैंने तो किया है, और कल उसका प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया, तो यानी मानना भी बहुत खतरनाक है, उसके प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों, अगर इस असेसमेंट ईयर 1920 से एडवाइस लेकर के, यानी इस केस से, इस वीडियो से सलाह मान करके कोई व्यक्ति अपना मानस बनाता है, करे यार अपने नोटिस नहीं आया, पर अपन ने भी अदला बदली तो कर रखी आगे के ईयर में, तो क्या करें सर? आईटीआर यू कैन बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर 2021 की तो लास्ट डेट जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं आईटीआर यू की, 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगी। तो अगर किसी को आज 12 बजे से पहले नोटिस मिल जाए, वो अपने सीए के पहुंच जाए, टैक्स दे दे, तो शायद उन्हें कुछ फायदा हो।
लेकिन एवाई 21 22 और 22 23 की सर जो रिस्पेक्टिव डेट होंगी आईटीआरयू की 2024 और 31 मार्च 2025 वो अभी आनी, यानी इस केस से सीख लेकर के कुछ लोग जिन्होंने अगर ये अदला बदली करी है वो अगर सीख लेकर के एवाई 21 22 और 22 23 में आईटीआरयू फाइल कर लेते हैं तो उनकी पेनल्टी लगने की संभावना और प्रोसिक्यूशन की संभावना कतई नहीं रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव मैसेज मैं इस वीडियो से देना चाह रहा था। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस वीडियो को सुनने के बावजूद भी अभी तक अपना फाइनल मानस नहीं बना पाए हुए, क्यों? क्योंकि यह हर व्यक्ति का स्वयं का विषय है कि वो ये तय करे कि उसे कैसे चलना है। मैं हूं, चाहे मेरा कोई सीए भाई हो, चाहे कोई मेरे टैक्स एडवोकेट कंसल्टेंट हो, उनका भी काम यह है कि आपको आपके केस के अप्रेज करा देना कि साहब आपके केस में ये दम है या ये कच्चा है यहां, और उसके अनुरूप आप अपनी एक मानस बनाए कि हाँ मुझे कैसे चलना है। अगर मैं फिर भी अपनी इंडिपेंडेंट राय दूं तो मुझे लगता है सर कि लड़ने वाले को जीत मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ये लड़ता है कि साहब मैंने कोई अदला बदली नहीं करी, क्या आप प्रूव कर दीजिए कि मैंने कैसे अदला बदली करी, और वो चीज प्रूव नहीं हो पाएगी तो ऐसी परिस्थिति में जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी। परंतु फिर भी अंतिम निर्णय करदाता का होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात निकल करके आती है इस वीडियो से सर, जो लाखपति की बात है, करोड़पति की बात है, अरबपति की बात है सर, इस प्रकार के डोनेशंस में अदला बदली नहीं करिए। क्या बहुत सारे सैलरीड पेड पर्सन सरकार से नाराज रहते हैं कि मैं इतना टैक्स देता हूं, इतना टैक्स देता हूं, और सरकार मेरे को बचाने नहीं देती, और धीरे धीरे इसीलिए आप देखिए सर, ओल्ड रिजीम खत्म होने वाली है, न्यू रिजीम ही चलेगी आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। मेरा कहना है सर, इस प्रकार के अदला बदली के ट्रांजेक्शन से तुरंत किसी भी रूप में बचिए। ये अगर मैं मैसेज आप तक पहुंचा पाया तो मेरा वीडियो सार्थक हो गया। सो आई होप जो मैंने बातें यहां पर रखी आप तक एक पॉजिटिव मैसेज और इस मैटर को समझने की काबिलियत डेवलप करने में सहायक रही होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।